जी हाँ दोस्तों, देश के सभी राज्यों के राशन कार्ड की नई लिस्ट आ चुकी है। आपको फटाफट अपना नाम देखना है। अगर आपका इस लिस्ट में नाम होता है तो अगले 5 साल तक आपको फ्री में सभी राशन मिलने वाले हैं। और ये लिस्ट बिल्कुल अपडेट वाली लिस्ट है। अगर आपका इसमें नाम नहीं होता है तो आप समझ लीजिए आप 5 साल के लिए आपको राशन नहीं मिलने वाला है फ्री में। तो इसलिए आपको इस लिस्ट में नाम तुरंत देख लेना है। कैसे आपको लिस्ट में नाम देखना है वो भी मैं बताऊंगा, और कैसे लिस्ट को डाउनलोड करना है, और आपके घर में किन किन लोगों का नाम जुड़ा है, किन किन लोगों का नाम कटा है, और आपको राशन कार्ड में लिस्ट में नाम अगर जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा बताऊंगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप इस वीडियो को किस राज्य से देख रहे हैं। अब दोस्तों अगर आप किसी देश के किसी भी राज्य से हैं, अगर आप एक सिंगल जगह से आप सभी राज्यों के राशन कार्ड की लिस्ट देखना चाहते हैं तो आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके टाइटल पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो नीचे लिस्ट लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को आपको ओपन करके इस पेज पर आ जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं राशन कार्ड बेनिफिशियरी अंडर NFSA, यानी क्या देखिए सभी राज्य आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, मणिपुर, बिहार, राजस्थान, तेलंगाना, तमिलनाडु, सब राज्य यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे बिहार का देख लेता हूँ, तो मैं बिहार वाले पे क्लिक करता हूँ। इस तरीके से ओके का ऑप्शन आएगा, ठीक है। इस तरीके से आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए बिहार का इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है डिस्ट्रिक्ट, तो मैं बिहार का यहाँ डिस्ट्रिक्ट डाल देता हूँ। शो वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए अर्बन है कि रूरल है, अब ग्रामीण है कि अर्बन है, तो मैं यहाँ पर रूरल पे क्लिक करूँगा। अब रूरल पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ देखिए सभी ब्लॉक आ जाएंगे, जितने भी गाँव के ब्लॉक है वो आ जाएंगे। मैं इस ब्लॉक पर क्लिक करता हूँ। अब ब्लॉक पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो सभी गाँव आ जाएंगे, जो पंचायत होते हैं गाँव पंचायत वो आ जाएंगे। तो ये गाँव पंचायत पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे विलेज ए हुआ, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो पूरा यहाँ पे राशन कार्ड की जो नई लिस्ट है पूरी आ जाएगी। अभी लिस्ट में देख सकते हैं परिवार में कितने सदस्यों का नाम है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मेंबर 6 मेंबर 3 मेंबर 7 मेंबर। अब जैसे 7 मेंबर है, आप पूरा डिटेल देखना है तो आप यहाँ पर डिजिटल जो राशन कार्ड संख्या है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए इस तरीके से ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर फोटो भी आ जाएगा और सभी का नाम आ जाएगा, ये राशन कार्ड पूरी तरीके से आ जाएगा। प्रिंट वाले पेज पर क्लिक करेंगे तो इसका हमें प्रिंट भी निकाल सकते हैं या PDF फाइल में भी किसी को भेज सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर राशन कार्ड की नई लिस्ट आप देख सकते हैं किसी भी राज्य की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर आप वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और यहाँ पे चाहे अगर मान लीजिए यूपी का देख रहा है तो आप यूपी का भी इस तरीके से देख सकते हैं। यूपी पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से यूपी का भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से यूपी का भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं राशन कार्ड की पात्रता सूची, यानी कि पात्रता सूची आप इस पर क्लिक करके पूरा राशन कार्ड का डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट डालकर आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका भी चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर मान लीजिए लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं है, ठीक है, आपको किसी भी परिवार का नाम कट गया है, तो आप जो मैंने लिंक दिया उससे आप नाम जोड़ सकते हैं। धन्यवाद।